तो दोस्तों गूगल लोकेशन हिस्ट्री ऑन करने के लिए आपको अपने मैप ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका मैप ऐप ओपन होगा तो आपको यहाँ एक माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखेगा, उसके पास एक ऑप्शन जिसे इस अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर चले जाने के बाद आप गूगल स्थान सेटिंग्स पर चले जाना है, और इस पर चले जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ एक नाम शो कर रहा होगा गूगल लोकेशन हिस्ट्री, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ आपका अकाउंट चूज कर लेना है। मेरा ये अकाउंट है, तो इस पर जैसे आप चूज करोगे तो आपके पास गूगल अकाउंट ऐसा नाम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारी यह हिस्ट्री ऑन नहीं है, तो मैं इसको ऑन करने के लिए आपको ले जाता हूँ। आपको जाना है अपनी सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको नीचे जाना है और आपको अकाउंट्स पर क्लिक करना है, और हम उसी अकाउंट को लेंगे जिससे हम वो करना चाहते हैं, और आपको गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे गूगल अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपको पर्सनल इन्फो इस पर क्लिक कर देना है, और आपको बर्थडे इस पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ 18 वर्ष पूरा कर देना है। तो मैं पूरा कर देता हूँ। तो आपको ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ मैं 2004 कर देता हूँ जिससे मेरा 18 वर्ष पूरा हो जाए। और आपको यहाँ दो ऑप्शन मिले, ओनली यू एनीवन, तो आपको ओनली यू पर रखना है जिससे आपकी बर्थडे कोई देख ना सके। तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे दबा देना है, और आपको बैक कर देना है। और जैसे ही बैक करोगे तो आप यह बदल जाएगा, और आपको फिर से अपने उस इस गूगल अकाउंट गूगल हिस्ट्री इस पर आ जाना है, और आपको गूगल लोकेशन हिस्ट्री पर आ जाना है, और आपको वही अकाउंट चूज कर लेना है। और ये देखिए वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई या शो कर रही थी, अब आप इसे आसानी से ऑन कर सकते हैं। देखिए या स्क्रॉल डाउन कीजिए और इसे ऑन कर दीजिए। देखिए लोकेशन हिस्ट्री ऑन हो गया, कोई ये देखिए ऑन।